चलिए बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल खोपरा पक, वही बिल्कुल वैसा ही जूसी और सॉफ्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो एक मिक्सी जार में आपको एक कप दूध ले लेना है। इसी में हम डाल देंगे आधा कप शक्कर का बूरा। आप चाहे तो पूरी शक्कर जो आती है उसे भी डाल सकते हैं या फिर बूरा डाल दें। आधा कप ही शक्कर का बूरा लगेगा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। इसके साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ताजी मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप उसकी जगह 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। दूध में फूड कलर डाला है ऑरेंज कलर का। इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से फेंट के दूध तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम एक कढ़ाई रख देंगे गैस पे। तो ये जो दूध का मिश्रण हमने बनाया ना, ये कढ़ाई में हमें डाल देना है। इसी में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से हिलाना है। और जब तक इसमें उबाली नहीं आ जाती है, जैसे ही इसमें उबाली आए वैसे ही आप इसमें खोपरे का बूरा डालते जाएं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब खोपरे का बूरा लिया है। तो 2 कटोरी में आधा कप चीनी बहुत अच्छा मीठा कर देती है। तो ये देखिए धीरे धीरे खोपरा गाढ़ा होता जा रहा है और जब तक ये पैन ना छोड़ दे तब तक इसे आपको पकाना है। तो ये देखिए अच्छे से इसने पैन छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं। इसको आप घी लगी प्लेट में इस तरह से निकाल के सेट कर लें और इसको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये अच्छे से सेट हो जाएगी, उसके बाद आप इसके पीसेस कट कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी खाने में आपको खोपरा पाक लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिना मावा के ये बहुत अच्छा बन जाता है मलाई से ही। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें।